नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हुई हत्या की चिंगारी बिजनौर तक जा पहुंची है। सड़कों पर उतरकर बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए हत्यारोपी का पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार करते हुए हत्यारों के खिलाफ फांसी की गुहार लगाई है। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हुई हत्या के बाद बिजनौर की सड़कों पर तमाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए कहा है कि हर्षा के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, साथ ही हत्यारों को फांसी की सजा हो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हत्यारोपी का पुतला भी फूंका, साथ ही मृतक हर्षा के परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। परिवार को सरकारी नौकरी मुहैया कराए, ये भी लगातार मांग की जा रही है। आज ये हम यहाँ पुतला जो फूंक रहे हैं, ये जिहादियों का पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि जो कर्नाटक में हमारे कार्यकर्ता हर्षा नाम का कार्यकर्ता की बजरंग दल के जो निर्मम हत्या की गई है जिहादियों द्वारा, ये कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा और बजरंग दल ऐसी घटना कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम ये सरकार से और माननीय राष्ट्रपति जी से ये आग्रह करते हैं, ये अपील करते हैं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की धनराशि दी जाए सहायता के रूप में और 1 सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके। और जो हमारा कार्यकर्ता मरा है, उसकी हत्या हुई है, उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी दी जाए, अन्यथा बजरंग दल उसको न्याय दिलाने के लिए खुद सक्षम होगा। जय। उन्नाव सदर विधानसभा सीट की चर्चा हो तो यहां के लाल परिवार के जिक्र के बिना वो अधूरी है। 27 साल तक इस सीट पर पूर्व मंत्री मनोहर लाल और उनके परिवार का कब्जा रहा। 2015 में यहां उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद भगवा रंग चढ़ा जो अब तक गढ़ा हुआ है। इस बार क्या होता है इन चुनावों में, ये 23 फरवरी को होने वाले मतदान में जनता तय करेगी। ऐसे में जनता का रुख क्या है वो भी जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता तनवीर खान ने। जरा सुनिए जनता क्या कह रही है। ये कौन था मोहल्ला लोधन है? विकास हुआ आने में 5 सालों में? कुछ विकास विकास हुआ कि नहीं? कहाँ हुआ है? कब उतर नहीं गई है? खम्भा तक तो गड़े नहीं। कब चेयरमैन कौन है? हम भैया पढ़े नहीं। अतुल कौन चेयरमैन है? सभासद। सभासद आते हैं? नहीं आते। कोई विकास विकास नहीं करा? नहीं, कोई नहीं। साले महीनों से सभाएं नहीं पड़ी, खाली पड़े। विधायक कौन? यही रहते हैं। कौन कौन सा ये वार्ड लगता है? 25 लगता है। वार्ड नंबर 25। यहाँ का जो सभासद कौन है? सभासद तो अतुल है। आगे कुछ विकास हुआ भाई? ऐसे नहीं, कुछ नहीं। आप विकास का वो लेट खाली एक जलती है, पानी तो ये महीनों से मेरे कुलिया का खराब है, बत्ती चली जाती तो पानी उधर से लाते हैं। 5 सालों में कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। ये तो कहा लग गया था सीपी तिवारी को, उसमें तभी लगा था। क्या नाली खड़ंजा कोई? कुछ नहीं, नालियों में पानी भरा वो साला पास नहीं होता है। विधायक कौन? कोई विधायक आते ही नहीं? आते अभी अभी 4-5 दिन पहले आए थे उधर पुलिया पे, इधर तो कोई आता नहीं। 5 सालों में एक बार नहीं आया? कोई नहीं आता यहाँ। ये मेरा नाम अशोक कुमार है। ये वार्ड कौन सा लगता है? ये 25 दरोगा बाग। दरोगा 25 लोधन। लोधन आप 5 सालों में कुछ विकास यहाँ पे आपको देखने को मिला इस सरकार में? नहीं भैया, यहाँ तो अभी कोई विकास नहीं देखने को मिला इस सरकार में। ये रोड खरंजा, ये जो है ना शौचालय उचालय कुछ मिला है कि नहीं मिला? नहीं, यहाँ तो कोई शौचालय बना, कोई रोड नहीं बनी अभी 5 सालों के अंदर में। सभासद कौन है? सभासद अतुल वर्मा जी। तो इन्होंने कोई विकास नहीं करा आपको? यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ अभी। इसकी कोई शिकायत कुछ? शिकायत कोई करता ही नहीं यहाँ पे, कोई नहीं करने वाला है। करते हैं तो काम नहीं होता है। आपकी वोट किसको दे रहे हैं? वोट देखो जिसकी जहाँ मर्जी हो वहाँ आदमी देगा अपने। कुछ हाँ, हर आदमी अपने मुद्दे पे देगा, कोई अपने विकास पे देगा, कोई पढ़ाई लिखा जैसे जैसे, कोई गरीबी कोई महंगाई पे, जिसको जहाँ समझ में आया वो देगा। काल कितना विकास हुआ आपके यहाँ? कहाँ विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ? विकास होता तो इसी हालत पड़ी होती। मेहमान आते थूक के चले जाते हैं, मेहमान नहीं आते हैं घर पे हम लोगों के, जल्दी शादी बारात में भी नहीं आ पाते हैं। ऐसी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है, लेके हम लोग खुद जमीन यहाँ पछता रहे हैं। आपका 5 सालों में यहाँ कितना विकास हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। कहाँ पानी मजाओ गंदगी में, और ना यहाँ कोई झाड़ू लगाने आता, ना कोई पाइप है,
ना यहाँ कुछ पानी सभासती यहाँ की इनका लगातार अतुल है तो अतुल का काम नहीं करते यहाँ कुछ नहीं करते हैं यहाँ जागने नहीं आते देख यहाँ काम क्या करेंगे वोट किसको देंगे अब वोट हमारा आएगा जब भी हम देंगे वोट आया नहीं अभी लिस्ट में नाम ही नहीं हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया राशन राशन मिल रहा है राशन तो मिल रहा है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया अभी आया ही नहीं है विधायक जी आते हैं विधायक जी यहाँ कहाँ कोई नहीं आते वही बस इलेक्शन मारे वोट दो चले जब वोट आएगा देंगे कुछ विकास विकास हुआ है कुछ नहीं विकास हुआ यानी इलेक्शन का टाइम जब आएंगे माता जी बहन जी याद रखना इस पे मोहर लगाना विधायक कौन है अतुल विधायक 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 हमें नहीं मालूम कोई आते ना तो सभासद कौन है सभासद जो है अतुल कुछ काम हम नहीं करें कुछ नहीं ना काम करें अंधियाला पड़ जाता है एक बल्ब तक की खम्बा तक के ना लगवा पा रहे हैं अच्छा तो क्या करा जाए अंधेरे में कहाँ बच्चों का जितने टाइम पानी भर जाता है जितनी सर से मट्टी ढो के नहरिया से ला के जब डाली जितना ऊँचा करा कभी जब कोई चीज़ के लिए जाऊँ सब वो करो जाके तो हाँ हाँ काम हो जाएगा एप्लीकेशन लगा देगा सब कुछ करा कुछ नहीं हुआ हम किसा ही पे ना देंगे हम देंगे ना वोट। वहीं बिजनौर में 17 वर्षीय युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को देखने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। पुलिस को 3 दिन पहले शव के बाद पुलिस के अफसर तफ्तीश में जुटे हुए थे। दरअसल पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। मोबाइल सर्विलांस के जरिए आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पड़ोस का रहने वाला भूपेंद्र उर्फ भूरा को पुलिस ने सख्ती से पूछा तो उसने हत्या के सारे राज खोल दिए। गौरतलब है कि शिवानी के परिवार वाले शादी समारोह में गए थे। घर में अकेले शिवानी ही थी क्योंकि भूपेंद्र शिवानी का पड़ोसी था तो उसने बुरी नीयत से घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन युवती की चीख पुकार के सामने आरोपी ने अपने आप को फंसता देख शिवानी के दुपट्टे से ही गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। कन्नौज में एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल दबंगों का पथराव करते ये वीडियो बताया जा रहा है। चौकीदार के घर पर पथराव किया है दबंगों ने, वहीं पत्नी और बेटी को भी जबरदस्त तरीके से पीटा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला इंदिरागढ़ थाना क्षेत्र के हरेसन कस्बे का बताया जा रहा है जहाँ पर महिला ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वो अपने मकान का निर्माण कर रही थी जहाँ पर ग्राम प्रधान और उसके गुर्गे द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई, वहीं पथराव भी किया गया। महिला ने थाने में तहरीर भी दी लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मोबाइल ले मोबाइल सहज नवा विधानसभा में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कॉलेज की स्थिति मैंने देखी, कैसी स्थिति है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं बताइए, हमारे प्रत्याशी को जिताइए, यहां पर आपको सूरत और सीरत दोनों बदलती नजर आएगी। दरअसल गोरखपुर के सहजनवा में आम आदमी पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रही है जबकि हम बिजली, स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की बात करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश की जनता में एक विकल्प खड़ा किया है। केजरीवाल जी का कुछ प्रोग्राम दूसरा भी लगाना पड़ा और मूल रूप से आज उत्तर प्रदेश की जनता से मैं आप सबके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश का हर एक आदमी चाहता है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमारे सब लोगों को, परिवार के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, नौकरियां मिलें, हमारे बिजली के बिल कम हों या जीरो हों, सब लोग चाहते हैं। किसान चाहते हैं, उद्योग चीनी उद्योग के लोग चाहते हैं, चीनी का गन्ना किसान चाहता है, सब चाहते हैं कि उनके भले की चीज़ हों, लेकिन विकल्प नहीं था। चुनाव जब भी आते हैं तो लोग तुरंत लोग कहते हैं भाई हमारे पैसे का क्या हुआ,
हमारे अस्पतालों का क्या हुआ, स्कूल का क्या हुआ, लोग कहते हैं बाद में बात करेंगे, पहले जाति पे बात करो, पहले धर्म पे बात करो। तो आज पहली बार एक पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में खड़ी है अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के रूप में, जो करके दिखाया है दिल्ली में, शिक्षा पे काम करके दिखाया, स्कूलों पे काम करके दिखाया, अस्पतालों पे काम करके दिखाया है, नौकरियां देके दिखाई हैं। तो ये काम उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने हमें विकल्प खड़ा किया है। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर 23 फरवरी को होने वाले सामान्य निर्वाचन 2022 के चुनाव में डीएम रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि लगभग चुनाव 2022 की तैयारी पूरी हो गई है। हम लोगों ने भ्रमण किया है, अभी तक पोलिंग बूथ के लिए 25% पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, बाकी बची पार्टियां अभी रवाना होंगी। जनपद में 2656 बूथ बनाए गए हैं और उसी के अनुसार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शाम को 4 से 5 बजे तक ये सभी पोलिंग पार्टियां अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। पोलिंग बूथ पर सभी प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। जनपद में शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में जितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उतनी पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में सभी पोलिंग बूथ पर तैनात की गई है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तहत 23 फरवरी को जनपद उन्नाव में मतदान होना है और उसी के दृष्टिगत आज हमारी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। आज हमने एसपी साहब ने, प्रभारी कार्मिक सीडीओ साहब हैं, हम लोगों ने भी भ्रमण किया है। लगभग 25% पार्टियां अभी तक रवाना हुई हैं। 23 फरवरी को होने वाले विधानसभा मतदान के लिए आज यहाँ से पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। जितनी पोलिंग पार्टियाँ हैं, जितने पोलिंग सेंटर्स हैं, सब पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। 100 कंपनी CPF और लगभग इतने ही जो है हमारे जो है पुलिस के जवान, होमगार्ड्स, PRD, इन सबको इसमें जो है व्यवस्थापित किया गया है और जनपद में शांतपूर्ण एवं सकुशल संपन्न चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई। वहीं आगरा में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो जुए खेलने का है। वायरल वीडियो में दर्जनों जुआरी हजारों रुपए के दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये तो वक्त बताएगा। ये पूरा मामला थाना एतमदौला क्षेत्र के फाउंड्री नगर स्थित गोकुल नगर यमुना किनारे का बताया जा रहा है। वहीं आगरा के जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। एक दिन में करीब 5,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पर्ची काउंटर पर भी लगातार भारी भीड़ देखी जा सकती है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सुविधा के लिए बनाए गए 9 काउंटर, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मरीजों में कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ चरम पर है। वहीं CMS ने कहा है कि समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मरीज नहीं मान रहे हैं। वहीं मैनपुरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मैनपुरी के करहल विधानसभा के जसवंतपुर में कल एक बार फिर से पुनः मतदान होगा। जसवंतपुर मतदान केंद्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जसवंतपुर मतदान केंद्र पर गोपनीयता भंग व मतदान बाधित होने पर चुनाव आयोग द्वारा ये फैसला लिया गया है। सपा मुखिया यहां से प्रत्याशी हैं, वहीं भाजपा के केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और 20 तारीख को यहां पर मतदान हुआ था, लेकिन कुछ गड़बड़ी सामने आई और वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद पुनः कल यहां पर मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के क्रम में 110 करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंत नगर पर पुनर्मतदान कराए जाने का निर्णय लिया गया है और तत्क्रम में कल दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक बूथ संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर 110 करहल विधानसभा का पुनर्मतदान कराया जाएगा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है, मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है। तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभालेंगे। कल को आप मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे ऐसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपना ने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी माजा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर गोंडा से, जहां सीएम योगी ने जिले के गौरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। गिरिनगर रसूलपुर खानगांव में आयोजित इस जनसभा में योगी ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए विपक्षी दलों को बहुरूपिया ब्रांड बताया। सीएम ने विपक्षी दलों को बहुरूपिया ब्रांड बताने के साथ साथ कांग्रेस पर इशारा साधते हुए सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के बयान की याद दिलाते हुए कहा कि वो कहते हैं कि यूपी वालों को हम पंजाब नहीं आने देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को यूपी में ही रोजगार देंगे, कोई पंजाब जाएगा ही नहीं। बुलडोजर की याद दिलाते हुए सीएम ने कहा, जो राशन खा जाते थे उनके लिए बुलडोजर बनाया है। हमारा बुलडोजर चुन चुन कर निशाना बनाता है, जहां बुलडोजर पहुंचेगा वहां लोटों की गट्टी मिलती है। वहीं सीएम ने कहा कि हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमने करके दिखा दिया है। सीएम योगी आगे कहते हैं कि हमने संकल्प लिया था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, संकल्प पूरा हुआ, हमने गौ माता को कटने नहीं दिया। सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। सीएम योगी ने मंच से जिले की 7 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की है। आपके सामने फर्क साफ है, एक तरफ आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाली पेशेवर माफिया और अपराधियों को गले लगाने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और दूसरी तरफ सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ गांव हो, गरीब हो, किसान हो या नौजवान या महिलाएं, इन सबके कल्याण और उनके उत्थान के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। करिए हम लोगों ने 2017 में जब आए थे तब हमने क्या कहा था? हमने तब कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बोला था ना, अयोध्या में राम मंदिर का काम हो रहा है ना, कोई संदेह है? ये काम क्या सपा के लोग करा पाते, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग? भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखा दिया। तो इस काम को रोकने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस। कौन लोग रोक रहे थे? कांग्रेस। राम भक्तों पर गोली कौन चला रहे थे?
सपा के लोग गोली चलाते थे, बसपा के लोग रोकते थे, कांग्रेस के लोग राम मंदिर पे ताला मरवाते थे, ये सच है ना? तो फिर इनको क्या वोट दोगे? ये लोग अब तो भाइयों बहनों इनके कोहरों के ब्रांड है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में होने वाले चुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में 87 इंटर कॉलेज के मैदान पर बीजेपी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास की झड़ी लगा दी है और एक बार फिर विकास के नाम पर बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व बनाने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि सपा और बसपा की सरकार में गुंडा राज था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में सपा की अखिलेश यादव की सरकार में कई जगह दंगे हुए जिनमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राशन मिली कि ना मिली, राशन मिली कि ना मिली, पहुंची कि ना पहुंची, आप मोदी जी का राशन अलग से, आप योगी जी का राशन अलग से, अपने चला अलग से, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यह डबल इंजन, यह डबल इंजन, मोदी जी का अलग से राशन और योगी जी का अलग से, यह डबल इंजन। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये गरीब गांव पीड़ित शोषित दलित समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, उसको अगर ताकत दी है तो मोदी जी ने और योगी जी ने दी है, ये याद रखना। और उसमें मदद पहुंचाई है तो जयप्रकाश निषाद जी ने, विकास के दृष्टि से आप बताइए आजकल सड़कों का जाम पिछड़ा कि नहीं पिछड़ा? पक्की सड़कें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? कहीं गंगा एक्सप्रेस, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस, कहीं गोरखपुर एक्सप्रेस, कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस, और एक नहीं 4 लेन 6 लेन। मैं सबको बोलता हूं यह सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है, याद रखना, इसी से विकास होने वाला है। ये भी हमें ध्यान रखना, अटल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी आ गई उत्तर प्रदेश में, आयुष यूनिवर्सिटी आ गई, दो दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज आ गए। अब यहाँ के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, अब आपका इलाज गोरखपुर में हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखिए। और देवरिया में मेडिकल कॉलेज अप्रूव हो गया है, आने वाले समय में वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा और आपका इलाज वहाँ कुछ होगा। मैनपुरी की भोगांव थाना क्षेत्र की पुलिस को समय कामयाबी मिली जब मुखबिर की सूचना पर उन्होंने गुजर रही एक बोलेरो की तलाशी ली तो उनको उसमें 20 अंतर्राष्ट्रीय पिस्टल बरामद हुई है। वहीं 70 कारतूस, 32 बोर, एक बोलेरो कार और पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। देखिए चुनाव के बाद जैसा आप जानते हैं वायलेंस की कई बार शिकायतें मिलती हैं, पोस्ट पोल वायलेंस, उसी क्रम में हमारी जो साइबर टीम इंचार्ज जो विक्रम सिंह हैं, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह और भोगांव इंचार्ज टी आर एन सिंह CO और पूरी टीम जो है इसमें रात में चेकिंग कर रही थी, इसी क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय जो असलाह तस्कर ग्रोह है वो फिर कब्जे में आया। एक बोलेरो गाड़ी प्राप्त हुई है, उसकी सर्च के बाद फिर 4 अभियोग राज बहादुर जो कि आगरा कराने वाले हैं और 3 जितेंद्र, दिनेश और राजकुमार, ये मध्य प्रदेश भिंड कराने वाले हैं सब। ये ऐसा तस्कर गिरोह है जिसको दिल्ली पुलिस के ने कुछ समय पहले भी काफ़ी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया था। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में रहने वाली पूजा राठौर 17 फरवरी को गायब हुई थी। पति अमराव सिंह एयरफोर्स स्टेशन पर सर्जेंट के पद पर तैनात हैं और 17 फरवरी को जब पूजा घर नहीं मिली तो अमराव सिंह राठौर ने सरसावा थाने में अपनी
पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका आज खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा ने बताया कि साजिश के तहत पूजा की हत्या की गई थी। सास ससुर दोनों को प्रेम विवाह पसंद नहीं था, जिसके चलते सास ससुर ने प्लानिंग कर सरसवा के रहने वाली प्रवेश और थाना ननौता का रहने वाला मोनू को हत्या की सुपारी देकर हत्या करा दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। चौथे चरण का मतदान आगे बढ़ रहा है, हमने कई सवाल अखिलेश से पूछे, अनुराग ठाकुर ये कहते हुए नजर आए। वहीं अखिलेश यादव ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। सपा की पहली सूची में उम्मीदवारों के नाम कम, उम्मीदों पर वार करने वालों के नाम ज्यादा आए। जेल वाले, बेल वाले सपा की सूची में नजर आए। मेरे सवाल पूछने पर अखिलेश यादव चुप हो गए। उसके बाद दूसरी सूची नहीं आई। उन्नाव के दलित मां अपनी बेटी के जीवन को बचाने के लिए अखिलेश यादव के सामने आए। सपा सरकार में सुनवाई और कार्रवाई दोनों नहीं होती थी। वहीं अहमदाबाद बम धमाकों में न्यायालय का निर्देश आया, जिसको लेकर उन्होंने सपा को भी घेरा। वहीं बीजेपी का झंडा देख सपा प्रत्याशी नारद राय का रोते रोते बेहोश होने का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। अपने पैतृक घर पर बीजेपी का झंडा लगा देख नारद राय को सदमा लग गया। सदर विधानसभा क्षेत्र के खोड़ी पाकड़ गांव में नुक्कड़ सभा कर रहे थे नारद राय, उसी दौरान फूट फूट कर रोने लगे। बलिया की सदर सीट से सपा प्रत्याशी है नारद राय। पिछले दिनों नारद राय के भाई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो ऐसे में अपने पैतृक आवास पर उन्होंने बीजेपी का झंडा लगाया, जिसको देखकर वो भावुक हो गए। बलिया के खोरी पाकड़ स्थित पैतृक आवास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और वीडियो तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एक नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वोट का बटन दबाकर खतरे को टालिए, योगी राज में ही लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे पाई प्रियंका। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार माफियाओं की गर्मी उतारनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो मलाई वाले नेता है और भाजपा भलाई वाली पार्टी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।